जूम, जूम टू जियो और फिर जियो टू जूम, कहां से कहां आए भगवान जाने। तो सबसे पहले आज हम तुम्हें जो मेन चीजें जो बताई जाती है, कल सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है आपके लिए, कि आपका 30% जो सिलेबस है वो रिवाइज हो गया है और वो मैंडेटरी है कि हमने अब कब तक इन लास्ट, हमारी क्लास से तो फेब से लग रही है, फेब से लेकर जुलाई तक है। काफी स्कूल ऐसे हैं जो बहुत पुराने लग रहे हैं, ओल्ड वे चल रहे हैं, बट हमने फेब टू जुलाई क्या खोया क्या पाया, और वो इम्पोर्टेंस है। पीडीएफ फाइलें भी आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट है वन बाई वन हम सब्जेक्ट का करते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का। तो सबसे अच्छा है कि पॉलिटिकल आप अपनी जेपीएच एनसीईआरटी में जो चैप्टर हमारे रिवाइज यानी डिलीट हो गए हैं, यानी सीबीएसई ने उनको सिर्फ ओनली 2020 और 21 आपके सेशन के लिए ही डिलीट किया है, ना कि परमानेंट। ये चीजें आप याद रखना कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने सिर्फ आपके लिए ही डिलीट किए हैं, स्पेशल आपको रिलैक्सेशन जो दी है वो आपके लिए किए हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस 2020-21, ये वाला सिर्फ ओनली फॉर यू, फर्स्ट पार्ट हमारा, एज यू ऑल ऑफ नो सर, जैसे सबको पता है आपको और मुझे, फर्स्ट पार्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं आपके फर्स्ट पार्ट में ओल्ड सिलेबस में? आई थिंक 9 है ना, 9 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट पार्ट में आपके टोटल। हमारे यहाँ पर फर्स्ट में टोटल 9 बनते हैं और सेकंड में भी हमारे 9 चैप्टर ही बनते हैं प्रीवियस में, पहले। अब आज क्या चेंज हुआ है तुम्हारी लाइफ में? फर्स्ट चैप्टर जो आपका है कोल्ड वार एरा, वो सेम है। इसमें ये टॉपिक आपको जो दिख रहा है ये भी आज क्लियर कर दे। बहुत से बच्चे पूछते सर चेंज हुआ, कुछ ऐड हुआ। दो चीजें माइंड में रखना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल में कुछ टॉपिक है, सिर्फ टॉपिक जो ऐड हुए हैं, सिर्फ कुछ टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक्स 1 or 2 मार्क्स जो ऐड हुए हैं। एंड अभी प्रीवियस में कल ही 30% चैप्टर वो बिल्कुल डिलीट हो गए हैं, वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं, और कुछ चैप्टर में टॉपिक है वो ऐड हुए हैं। जैसे फर्स्ट कोल्ड वार में नॉन अलाइनमेंट की आप बात करते थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते थे, वो यहां पर नहीं आता था, यहां पर ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट हमारा नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ द विप्लोरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 एक्सिस पावर, इसमें न्यू सेंटर ऑफ पावर हो गया, राइट। साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, राइट। नंबर 5 यूएनओ, नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक हमने 6 के 6 आपको करा दिए एट प्रेजेंट, बट जो 3 कराए थे वो चले गए। अब तुमने क्या करना है, एवरीबडी टिक योर एनसीईआरटी और जेपीएच कि ये हमारे 2021 में है, और जो इसमें नहीं दिखाई दे रहे आपको उनको आपने अब क्रॉस कर लेना है अपनी नोटबुक में, एनसीईआरटी एंड जेपीएच जो भी आपके पास मटेरियल है। हेलो, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। कभी मैं ही चल रहा हूँ ट्रेन की तरह और वहां पता नहीं चल रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो भी मटेरियल है, चाहे नोटबुक है, चाहे बुक है, जेपीएच है, एनसीईआरटी है, जो चैप्टर है उसको टिक करो, जो नहीं है उसको आप बिल्कुल क्लोज कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जब आप कभी रिविजन करेंगे तो मैं नहीं चाहता बाय डिफॉल्ट जो चैप्टर ही नहीं है आप उसको रिवाइज करें, उसमें टाइम आप अपना स्पेंड करें, अपना अपना टाइम डैमेज करें। क्योंकि अब हमने जो भी किया बैक पीछे, तो हमने टेस्ट भी लिया है उनका स्कूल में, और आपने पूरा राइटिंग वर्क भी किया इन 3 चैप्टर का, तो वो हटा दीजिए आप। सेकंड पार्ट, टोटल सेकंड पार्ट में हमारे 9 चैप्टर होते थे, अब देखो इसमें भी 6 ही आ गए। चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, ये जो मैं आपको कराने लग रहा हूं अभी, फर्स्ट हो गया सेकेंड पार्ट का, वैसे ही आपका 7th हो गया। प्लान डेवलपमेंट सेकंड मान लीजिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप 3rd मान लीजिए, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम कांग्रेस वाला आप इसको 4th मान लीजिए, डेमोक्रेटिक रिस्क्यूज एमरजेंसी वाला इंदिरा गांधी वाला है इसको आप 5th मान लीजिए, एंड 6th
इंडियन पॉलिटिकल स्टैंड एंड द डेवलपमेंट, लास्ट वाला। यानी 3 चैप्टर आपके इधर से गए, 3 चैप्टर आपके उधर से गए, टोटल पॉलिटिकल साइंस में 6 चैप्टर। अगर आप दोनों यहां से दोनों की बात करें तो आपके 6 चैप्टर, 6 चैप्टर हैं आपके जो चले गए हैं सिर्फ आपके पास अब। यानी 18 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो आपका 6 का रिमूविंग होता है और 12 चैप्टर आपके पास ये वाले बचते हैं। तो आइडिया लगा लीजिए 30% के आसपास, 33 हो गया पॉलिटिकल में, तो 33% जो सिलेबस है आपका उसे सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है बिल्कुल। ओनली फॉर 2020 और 21, ये याद रखे, सिर्फ आपके सेशन के लिए ही चीजों को रिमूव किया गया है, परमानेंट रिमूविंग नहीं है। ये COVID-19 की जो कंडीशंस आई है उसकी वजह से इसको रिमूव किया गया है, अदरवाइज परमानेंट रिमूविंग ये नहीं है। अच्छा, ये वाला बाद में देखते हैं कौन सा क्या होता है। अब एक बार के अलावा हिस्ट्री में देखिए, आई थिंक अगर बच्चों के पास ये पीडीएफ फाइल स्कूल से आई है तो मोस्ट वेलकम, नहीं है तो एवरीबडी शुड टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आपको पता चले तो आप उसको चेंज कर ले। लेकिन अभी क्लास के साथ साथ आप जो चैप्टर नहीं है उसको क्रॉस कर ले, कंफर्म नोट डाउन कर ले, जो करना है वो आपको करना है। यहाँ पर हमारे 14-15 स्टूडेंट है, दे डिड नॉट आस्क टू मी अगेन, दोबारा से ना पूछे सर ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है नहीं है, क्या हुआ क्या चेंज हुआ। इसलिए मैं आज स्पेशल पूरा 40-50-60 मिनट आपको ये चेंज ही आज बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके चेंज है और जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो है। विदाउट इनके क्या फायदा, हम वो जो चैप्टर डिलीट हो गए वो ही आपको पढ़ाते रहे तो बेकार की बातें आपकी हो जाएगी। थीम नंबर वन, चैप्टर नंबर वन आपका ठीक है, ब्रिक्स बीड्स एंड द बोन्स कोई प्रॉब्लम नहीं, किंग्स फार्मर एंड टाउन्स सेकंड वाला सही है, किंगशिप एंड द कास्ट क्लास जाति वर्ग और बंधुत्व राइट। ये नंबर फोर्थ आपका महावीर स्वामी वाला, थिंकर बिलीफ एंड द बिल्डिंग्स विचारक विश्वास और इमारतें राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए जो सबसे अच्छा का हो सकता है, किसी बच्चे ने प्रोजेक्ट बना लिया हो, ये भी प्रॉब्लम आ गई, ट्रेवलर्स वाला जो आपका था यात्रियों के नजर से, अल बेरूनी इब्न बतूता चैप्टर नंबर 5। अब यहां पर क्लियर आप देखे थीम नंबर 5, ये आप देखे डिलीटेड फॉर द सेशन 2020-21 कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है। एनसीईआरटी जेपीएस में रेड ब्लैक ब्लू येलो पेन से आप बिल्कुल इसे क्रॉस कर ले अभी, जिस भी नोटबुक में आपने इसको लिखा है वहां से भी आप क्रॉस कर ले इसे कि अब हमने जो कुछ कर लिया तो मोस्ट वेलकम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हमें इस चैप्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 फिनिश। 6 भक्ति काल आपका, भक्ति और सूफी ये राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। विजयनगर द कैपिटल ऑफ द इंपीरियल सिटी, ये राइट आपका हो गया। नंबर 8 मुगल एम्पायर वाला, जो 8th और 9th हमारे कंटिन्यू जो हमारे होते हैं, 8th वाला चैप्टर हमारे संथाल वंथाल वाला जो ये वाला होता है, डिलीटेड फॉर द सेशन 2020 एंड द 21 5th एंड 8th। यहां पर दो चीजें बिल्कुल क्लियर उन्होंने बता दी है, चैप्टर नंबर 5 इसको डिलीट मार लो आप अभी से, और 8th इसको हटा दीजिए अपनी नोटबुक में से, दोनों चैप्टर आपके फिनिश। उसके बाद 9th आपका है, 9th में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th है। 10th औपनिवेशिक शहर राइट। लेकिन यहां और एक और चीज देखें, ये तुमने खुद करना है, चैप्टर नंबर 10th में क्या करना है तुम्हें ये लाइन सोचो अपने आप करना, हाफ हो गया है ये चैप्टर नंबर 10th आपका, हाफ हो गया है। अब तुम क्या करोगे,
अब तुम सोचोगे सर हाफ कैसे हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 257, अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 257 देखना, 257 ये चैप्टर आता है टू, उससे लेकर 274, 274 इनके बीच में जो टॉपिक आते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 10th में अब नहीं रहे, चैप्टर नंबर 10th सिलेबस में है लेकिन 74 से पहले 57 मे बी 20 पेज, 18 के आसपास पेज हो गए, 18-17 कोई बात नहीं, आपके 17 पेज के अंदर अब जो टॉपिक आते हैं वो तुमने करना है, मैंने नहीं करना है। जब क्लासेस स्टार्ट होगी मैं पर्सनली आपके कट डाउन करा दूंगा, पर अब बेस्ट फॉर्मूला है उसमें जो टॉपिक है वो आपकी जेपीएच और एनसीईआरटी में उसको क्रॉस कर लेना, वो चीजें पढ़ानी नहीं है हमने। यानी लगभग हमें ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 10 आपका 50% हो गया, पहले 14 का आता था अब 8 मार्क्स का हो गया, ये देखो हाफ हो गया। 11 रेबल सेंटर आज क्रांति वाला, ठीक है, कॉलोनियल सिटी ये वाला गया, ये बड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, औपनिवेशिक है ये बड़ा डिफिकल्ट भी होता था, इसमें आर्किटेक्चर शैली वगैरह भी जो आती थी वो चला गया। महात्मा गांधी बचा हुआ है, पार्टीशंस गया, ये बड़ा इजी था आपके लिए, अच्छे मार्क्स देता था हम इसे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीशन, विभाजन को समझना बड़ा अच्छा माना जाता था, काफी लोगों का फेवरेट होता था चैप्टर नंबर 14 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीशन, बट सीबीएसई ने इसको भी उड़ा दिया। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण, ये आपका है, इसमें यहाँ कोई इशू नहीं है। तो आप देखेंगे हम टोटल कितने चैप्टर हमारे हिस्ट्री से गए हैं, 1 नंबर 5 को डिलीट मारो, नंबर 8 इसको हाफ को मैं छोड़ देता हूं, नंबर 3 एंड नंबर 4, तो ये 4 नहीं 4.5 हो गया ना भी, आधा तो उधर से भी गया है ना, तो टोटल जो आपका सिलेबस में गया 4.5, यानी 15 में से 4.5 वही 30% के आसपास है, वही जो कैलकुलेशन सीबीएसई बताने लग रही है, 30% रिमूव कर दिया आपका, ये है आपको 4 चैप्टर बिल्कुल डिलीट है 100%, ये माइंड में डालना है, 4 चैप्टर जो आपके 100% डिलीटेड है बिल्कुल फिनिश। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, 4% है, और जो 5 आपका है नंबर 10th वाला है उसको आप 50% के आसपास है, वो आप पेज नंबर देखेंगे वहां से कैलकुलेट करेंगे। मैप, मैप पर वही आपका अच्छा 5 का कर दिया मैप, 6 का आता था मैप आपका, 5 मार्क्स का आ गया, एक नंबर कम कर दिया ये वाला, चलो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये चीजें आपको बता दूं, पार्टीशंस वाले में इस चैप्टर से कोई मैप बनता ही नहीं था, पार्टीशन से नहीं बनता था, कॉलोनियल सिटी से भी नहीं बनता था, अगर जो चैप्टर हुए उनमें मैप का कोई इशू नहीं, मैप वही आएंगे जो आएंगे, प्रोजेक्ट वर्क। अब ये चीजें तुम देखो, सबसे बड़ी बात जो पजल कर रही है मुझे, ये लाइन समझ में आ रही है तुम्हें, जिसका सीबीएसई ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, समझे इस लाइन को, हाईलाइट दिख रही है तुम्हें, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन, कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? हेलो, अरे सुनाई, यस नो तो बोल दिया करो कम से कम, मुझे डर लगने लग जाता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। यस सर, इसका मीनिंग क्या है? प्रोजेक्ट वर्क इंटरनल असेसमेंट। सर आप ही लोगे? हाँ वो वाला मुझे डर लग रहा है अभी, क्योंकि इससे पहले वाला जो हम देख रहे थे वो एक्सटर्नल, ये वर्ड बड़ा कठिन लगता है, डर लगता है, पहले क्या लिख रहा था इसमें? एक्सटर्नल लिख रहा था, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है वो बाहर होगा, जो प्रोजेक्ट है हिस्ट्री का वो बाहर होगा, प्रैक्टिकल जैसे होती है प्रीवियस में जो बच्चों ने दिए तो कोई इशू नहीं, लेकिन अब इंटरनल है तो इसका मतलब है क्लास टीचर के हाथ में प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। ये चीजें देखो, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है लेकिन इंटरनल है, तो ये काफी बार क्लेरिकल मिस्टेक भी हो सकती है सीबीएसई की, अभी माइंड में ये डाले कि प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बाद में भी नोटिस हमारे पास एग्जामिनर के पास आते हैं, अगर इंटरनल है तो मोस्ट वेलकम,
आपको ये जितना बर्डन दिया जाता है वो कम हो जाएगा आपको। एक्सटर्नल है तो हमने सारा काम कराना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको क्लेरिफिकेशन सीबीएसई से एक मेल करके हमारे पास आ जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल सब प्रैक्टिकल की लिस्ट आती है, वो चीजें पता चल जाएगी क्या होगा क्या नहीं। बट यहाँ पर जो न्यू रिवाइज सिलेबस आया है उसमें ये वर्ड इंटरनल आया है, तो ये थोड़ा सा सोच रहे हैं हम क्या है क्या नहीं। ये सिलेबस में जो है हमारे कोई नया चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल, फर्स्ट वाला किंग वाले में भी, किंगशिप वाला महाभारत वाले जो स्टोरी है ठीक है, फोर थिंकर बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, भक्ति में भी कुछ नया है, हिस्ट्री में कोई टॉपिक नया ऐड नहीं है, ये देख लो तुम, विजयनगरा में कुछ नया ऐड नहीं है, किंग्स क्रॉनिकल्स में कुछ न्यू ऐड नहीं है, कॉलोनियल सिटी में भी बिल्कुल ऐड नहीं है, रेबल्स में भी कोई न्यू ऐड नहीं है, गांधी जी बहुत अच्छे हैं कोई एडिटिंग नहीं, फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस इसमें भी कोई ऐड नहीं है, यानी हिस्ट्री में कुछ न्यू चीजें आपकी जो है वो ऐड नहीं है, टॉपिक भी ऐड नहीं है, जो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ना कि टॉपिक ऐड है या नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क एक बार यहां भी देख लेता हूं, इंटरनल है क्या एक्सटर्नल है, वो ही वाइवा सिंपल चीजें हैं, ये चीजें 17-4 अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। कई बार जो तुम मेरे से पूछते हो ना टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, सर किस पे बनाए, सर टॉपिक क्या होगा क्या नहीं, समझ भी नहीं आ रहा हमें तो पता ही नहीं है क्या टॉपिक है, दीज आर द 15 टॉपिक्स हैव बीन गिवन बाय द सीबीएसई, सजेशन है, यू कैन ऑल्सो चेंज, आप बदल भी सकते हैं, बट दीज आर द सजेशंस वन बाय वन हर चैप्टर से, आप अच्छा बनाना चाहें इसके अलावा बना सकते हैं, बट ये सजेशंस है, द मिस्ट्री बिहाइंड द माउंट डेड मोहन जोदारो, डेप्थ ऑफ द स्टडी ऑफ द स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी सब कंटिनेंट, बुद्धा इनसाइड रिफ्लेक्ट द बर्नियर, बर्नियर तो चला ही गया ये हटा देना देख लेना, महात्मा गांधी अपना है, कॉलोनी नेहरा बॉम्बे ये भी चला गया, इंडिपेंडेंस भी है, गुरु नानक जी हमारे हैं, यूनिटी पार्टीशंस मुगल भी हमारा है, ब्रह्म निर्गुणा कबीर भी है, ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं, बस इनसे आप आइडिया ले लेना। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर प्री रिजर्व बाय द स्कूल टिल द फाइनल रिजल्ट, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा, असेसमेंट ही आ रहा है, ये देखो यहाँ भी प्रैक्टिकल नहीं आ रही, असेसमेंट ही आ रहा है, अब की बार ये वाला मैप है, आई थिंक मैंने आपको ये पेज अवेलेबल, वो तो फ्यूचर में जब हम क्लासें लेंगे तो वन बाय वन जितने भी पीडीएफ फाइल हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा ही दूंगा, इम्पोर्टेंट कार्टून्स मैप भी क्या है, बट अगर कोई न्यू बच्चा है जो हमारे स्कूल का अगर नहीं है तो वो ये, या फिर किसी को अभी मैप का थोड़ा सा फंक्शन करना है, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड बुक से दोनों मैप होते हैं, तीनों बुक से इम्पोर्टेंट है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा और इसके पेज भी तुम्हें दूंगा, पीडीएफ मिलेगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज की जैसे भी हमें मिलेगी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, टाइम बाय टाइम जो चीजें होंगी वो आपको कराई जाएगी। सो आई थिंक हिस्ट्री में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, किसी को भी हिस्ट्री में क्या ऐड हुआ है क्या रिवाइज हुआ है क्या कुछ है, आई थिंक ऑल आर क्लियर, एक भी न्यू टॉपिक हमारा ऐड नहीं हुआ है हिस्ट्री में, 4.5 चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं हिस्ट्री में, वो आप कर लेंगे वो मैंने बता दिया, फिर भी आपके लिए हम भेजने की कोशिश करेंगे, फाइल भी हम आपको भेजेंगे। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा देखते हैं हम क्या किया है सीबीएसई ने, भैया 11th को छोड़ दीजिए, हाँ जी पॉलिटिकल का तो मैंने बता दिया ना तुम्हें, हिस्ट्री का हो गया पॉलिटिकल का हो गया ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस में मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा, जस्ट वेट वन मिनट, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ देखना था मैंने, पॉलिटिकल में इंटरनल दिया है एक्सटर्नल दिया है, वो 11th एक बार क्लियर हो जाए ना, डेमोक्रेसी है प्रोजेक्ट वर्क दिया है इधर, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ इन्होंने 12th में कुछ ऐसा इंटरनल असेसमेंट वाला नहीं लिखा है, तो आई थिंक इनका हो सकता है, वो इसमें नहीं है, 12th में एक्सटर्नल और इंटरनल कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं किया अभी सीबीएसई ने,
क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड टू द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो वो देख लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब सीधा आए पॉलिटिकल साइंस में डिलीट क्या हुआ है, ये चीजें आपको क्रॉस करनी है। चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल इशू, 6-7 को डिलीट मार दो बिल्कुल, तुम्हारे सामने 6-7 बिल्कुल डिलीटेड 6-7। अब देखो 10 दिस टॉपिक आर डिलीटेड फ्रॉम दिस यूनिट चेंजिंग नेचर, इसमें से ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, इसमें से ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, ये तुम देखो जस्ट पहले तुम आराम से देखो। सर पॉलिटिकल में 6 और 7 ओनली, हाँ जी 6 और 7 ओनली डिलीट हुए हैं। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना, आई थिंक 6 है, 6 बता रहा था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है हा? और इसमें भी ये देखो 6 और 7 को कंप्लीट डिलीट मारो, 6, 7 और 14, 15 चार तो कंप्लीट डिलीट है, कंप्लीटली डिलीटेड आ गया, ये वर्ड देखना ये वाला कंप्लीटली डिलीटेड। बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को क्वेरीज होती है, बाद में मैसेज से पूछेंगे सर ये कंप्लीट है कहाँ है कहाँ नहीं, वो बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारा पूरी ये 40 मिनट आज का पूरा दिन लग जाए, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माइंड में कोई क्वेरीज ना रहे कि ये क्लियर है तो ये डिलेट है तो डिलेट है। ये 10 और 11 को थोड़ा सा दम देख लो, प्लान डेवलपमेंट सेकंड चैप्टर, ये टॉपिक डिलेट है चैप्टर नहीं है, ये चेंजिंग ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और 5-ईयर प्लान, ये 5-ईयर प्लान की जगह तो नीति आयोग आ गया है, न्यू आ गया है, ये डिलीट हो गया। और 11th में हमारा फॉरेन पॉलिसी में, अच्छा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कुछ कंट्री के साथ रिलेशनशिप है, तो कौन से कंट्री डिलीट कर दिए, पाकिस्तान के साथ नहीं करना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, तो हमारे पास बचा कौन, चाइना, भूटान, दो ही कंट्री बचे इसमें हमारे नेबरहुड में, चाइना, म्यांमार भी डिलीट हो गया, श्रीलंका भी, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, तो चाइना और भूटान के साथ बचा इसमें, ये टॉपिक चैप्टर डिलीट नहीं है। फिर तुम्हें मैं एक बार बता देता हूं, ये चैप्टर डिलीट नहीं है, सिर्फ ये टॉपिक डिलीट है, वो करने है तुम्हें, वो कर लेना, कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल में डिलीट हो गया, कोई इशू नहीं आएगा, ये वाला हो गया पॉलिटिकल में रिवाइज हो गया, ठीक है, ये तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिस्ट्री में कोई टॉपिक ऐड है ही नहीं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आज ही तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, फाइल तुम्हें मिल जाएगी, हर कोई इसको अपनी नोटबुक से बुक से जहां भी, तो जो चीज तुम्हारे पास है उनको डिलीट करें, ये 11th का छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल साइंस में ये चीजें आप नोट बना लें, चाहे अपने एक फ्रंट पेज पे, मुझे तो लगता है कि आप अपने नोटबुक के इंडेक्स पे लिख लें, याद रहे कि फर्स्ट पार्ट में 6-7 नहीं है, 10-11-12। अब एक चीज और देखें, देखो अब मेरे सामने 14 कैंडिडेट ऑनलाइन है और हमारी क्लास में है 46। अब 32 बच्चों को क्या मैं पर्सनली बताऊंगा, और हो सकता है वो ऐसे इंटेलिजेंट हो जो घर पे स्टडी कर रहे हो, इन पुरानों को ही पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो होगी ना, काफी बच्चे जो बोलते हैं कि हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, अब उन्होंने अगर 6-7 चैप्टर की स्टडी की है तो क्या फायदा, यूजलेस हो गई ना वो चीजें। कोई भी कनेक्टेड हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो अगर जो क्लास में नहीं है तो आप उसको पास जरूर करना इंफॉर्मेशन को, ताकि वो आप 1 मिनट, अच्छा 10 मिनट बची है, कोई बात नहीं, आज पूरा हम यही करेंगे रिवाइज और न्यू चेंजेज, और तुम्हें एक बार और मैं बता देता हूं, क्योंकि बाद में इसके बाद कोई ऑप्शन ना रहे, हिंदी मीडियम वाले भी है मेरे पास, पहले हिंदी में बताता हूं, भारती फिर मेरे से पूछेगी, हिंदी मीडियम के लिए फाइल में अवेलेबल करा दूंगा, इंग्लिश के लिए मैंने भेज दी है, आई थिंक हिंदी मीडियम को नहीं मिली थी, वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, दोनों चीजें नोट्स बना के, जो हम ये चीजें देखे क्लास 12th में सेकंड चैप्टर, ये टॉपिक ऐड हुआ है अरब स्प्रिंग, ये वाला है अरब क्रांति, जो अरबियन कंट्री है वहां पर क्या क्रांति होती है क्या नहीं है, ये एक स्टोरी टाइप में है, ट्यूनिशिया के जो एक बच्चा होता है वो सुसाइड कर लेता है, उसके ऊपर सारी स्टोरी चलती है, ये सिर्फ एक टॉपिक है। थर्ड चैप्टर में
ब्रिक्स, ये देखें ये वाला टॉपिक है ब्रिक्स। वन है 2006 में रशिया में स्टार्ट होती है और इंडिया इसका मेंबर है। रूस, भारत के जो रिलेशनशिप है अदर कंट्री चाइना फ्रांस इन सब से हमने बताया, जैसे अभी बांग्लादेश वाला था भूटान वाला था रशिया के साथ और हो गए, ये एक हेडिंग आ गई है। अच्छा इंडिया वाला ये तो है ही। इजराइल, एक और सबसे अच्छा आ गया कि इंडिया का आजकल जो सबसे अच्छा दोस्त है इजराइल, उसके बारे में हमें बताना है, वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन ही करूंगा, बट ये टॉपिक आपका आ गया इजराइल। कंट्री है एक छोटा सा, देख लीजिए आपके सामने छोटी छोटी बातें लिखी है। यूनेस्को चैप्टर नंबर फिफ्थ। अच्छा अब इन टॉपिक्स में भी जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं तो वो तो करना ही नहीं है, जिसमें बचा है वो ही करना है। यूनेस्को, यूएनओ की एक ब्रांच है, यूनिसेफ भी ईजी है, आईएलओ एक नया ऐड हुआ है, आईएलओ नया ऐड हुआ है, एक मिनट मैं ये देखता हूँ चैप्टर नंबर फिफ्थ, हाँ है आईएलओ है, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, आईएलओ है। आतंकवाद आ गया कंटेम्प्रेरी, ये तो चैप्टर ही फिनिश हो गया ना, सिक्स तो है ही नहीं ना, ये देखो तो इसका मतलब ये कुछ नहीं करना, जब चैप्टर सिक्स गया तो टॉपिक भी गया, समझे, जब चैप्टर सिक्स गया तो ये टॉपिक भी गया। सेकंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में गांधी नेहरू को बहुत एक्सप्लेन किया गया, पटेल जी को नहीं किया गया, तो पटेल जी आ गए अपने। नीति आयोग, वो फाइव ईयर प्लानिंग जो डिलीट की है ना, फाइव ईयर प्लानिंग, उसकी जगह नीति आयोग आया गया है, 15 अगस्त 2004 में था, अमिताभ कांत इसके पहले एड थे और दूसरे थे हमारे उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ये रहे अरविंद पनगड़िया, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो इधर भी आ गया इंडिया और इजराइल, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड में भी इजराइल। न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की, ये ठीक है, लोकतांत्रिक उत्थान, जयप्रकाश नारायण जेपी आ गया, न्यू जेपी है, राम मनोहर लोहिया आ गए, ये दो लोग हमें से छोड़ दिए थे इतिहास में, इनको इंक्लूड किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय, ये बीजेपी से हैं, इनको भी ऐड किया गया है। इनके बारे में आपको एनसीईआरटी बुक में कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना, तीन बंदे दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, गूगल ही मदद करेगा हमारी, बस पंडित दीनदयाल वगैरह वो डिटेल हम आपको देंगे। कश्मीर, कश्मीर तो हमारे पास, हाँ ये जो न्यू आया है, ये जो अभी आपको लास्ट ईयर धारा 370 जो खत्म कर दी गई है ना, और 35 से, क्योंकि अभी तक तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते थे 370 है, लेकिन आज तो सबको पता है कि 370 खत्म कर दी गई है, तो वो चीजें तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, 370 रिमूव कर दी गई है, ये सबसे अच्छी चीज है, ये 370 और 35 पे को जो अमेंडमेंट रिमूव कर दिया गया है। ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये आ गया हमारा डिटेल में, अभी इलेक्शन में है ये, अच्छा आ गया, ये दीज आर द सब टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके अब इंक्लूड किए गए हैं, समझ गए। तो आई थिंक आज की क्लास के बाद किसी बच्चे को मुझे नहीं लग रहा